जी वेलकम टू माय चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं तो तुम लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और मैं आप लोग आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम मेरा, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाबू को लेकर के बाजार के ओर, क्योंकि मैं दो तीन साड़ी सिलाई थी तो वो साड़ी का ब्लाउज ना थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब से बना दिया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया एक ब्लाउज और एक दो ब्लाउज में डिजाइन खराब कर दिया। जो डिजाइन का मैं बनाने बोलती हूँ डिजाइन का बनाया नहीं, तो सब हम जा रहे हैं उसको दे देंगे। और बाबू को अच्छा आंगनबाड़ी में चेकअप कराने ले जा रहे थे, फ़ोन की थी मैं, बोली कि बाबू को लेकर का उसको चेकअप कराना है, मतलब कि कमजोरी तो अंदर में शरीर में है नहीं, तो फिर वजन कैसा है, फिर और क्या क्या बोलते हैं चेकअप, वही करने के लिए बुलाए। तो अभी हम लोग निकल रहे, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ में आंगनबाड़ी। और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है फ्रेंड, यहाँ से कम 4 किलोमीटर है वहाँ जाने के लिए, तो यहाँ से घर से निकलते निकलते 1 घंटा हो जाएगा और वहाँ पहुँचने में बजे जाएगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए, अब निकलते हैं घर जल्दी से। नाश्ता भी नहीं किया फ्रेंड ने, बच्चा कल कैसे निकल गए हैं अब उधर कुछ नाश्ता सब लिया, नाश्ता कल मैंने ना घर पे है वो नहीं जाएंगे बोली, तो इसलिए हम बोल ठीक है तो नहीं जाएंगे घर में राहुल करके, तो घर में रह रही है तो अभी उन्होंने के लिए तुम्हारा बेटा इस समय हम खेल कूद कर बड़ा हुए फ्रेंड, इस समय पहले हम बहुत खेलते थे अंदर में इधर ऑफिस के अंदर में। हमें टोटो से उतर कर अभी यहाँ से पैदल करके के जाना होगा बहुत, अभी मतलब थोड़ा दूर रह जाएगा, 10 से 20 मिनट का रोड यहाँ से, अभी चलते हैं और देखते हैं सूर्य देगा कि नहीं, मतलब नहीं करेंगे ज़्यादा लेट हो गए हैं घर है इतना दूर है ना, निकलते निकलते 12 बजे आते बहुत दूर हो गए यहाँ पे सामने, तो कितना आना जाना हो जाता था, अभी इतना दूर है ना सोचना पड़ता बाहर निकलने के लिए, इसलिए हम आप लोगों को घर का ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग दिखाते बाहर का दिखा नहीं पाते पूछते, तो इसलिए आप लोग ऐसे बने रहे हैं ब्लॉग को एंड तक। तो सो फ्रेंड्स हम वो आंगनबाड़ी गए थे जहाँ पर उनको जाना चाहिए था फर्स्ट, वहाँ पर लोगों दिखाए थे तो वहाँ गए थे, वहाँ पर रुके फ्रेंड एक मिनट कैमरा नहीं पकड़ा रहे था बच्चा ने, एगो हाथ में बाबू भी सो गया है, एगो हाथ में पूरा कागज पत्तर सब पकड़ कर घूम रहे हैं, तो दो ठो आंगनबाड़ी से अभी घूम कर कभी जिधर हम पहले भाड़ा में रहते थे घर, तो उधर जाने के लिए बोला था, अभी उधर जा रहे हैं, बच्चा पकड़ के जाना बहुत मुश्किल हो रहा फ्रेंड, थक जा रहे ऊपर से नाश्ता वास्ता करके नहीं आए ना, सर उर घूम रहा मेरा चक्कर चक्कर से लग रहा है, तो चलते हैं फ्रेंड जल्दी जल्दी, आज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है, मिल जाना चाहिए बजरंग बली साथ दीजिए अरे बाबा। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए, नहीं हो रहा फ्रेंड एगो हाथ से ब्लॉग सीट जा रहे, देख सकते हैं कितना दूर है काफ़ी ज़्यादा, हम तो थक गए फ्रेंड, तो अभी जा कर पता लगाते मिल रहा है कि नहीं मिल रहा स्विबल करके फ्रेंड, देख सकते कि आए उधर मैं मम्मी रहती है और इधर तरफ मिल रहा टीका, तो अभी इधर आए हैं चले लेते हैं फटाफट टीका बाबू का। नहीं तो मेरे बाइटा का सुई लग गया, 3 सुई लगा, 2 सुई लगा तो अच्छा हुआ था, तीसरा बार सुई लगा ना उसका तो ना उसका ब्लेड निकलने लग गया था, जांग में दिया था सुई उसका थोड़ा थोड़ा ब्लेड निकलने स्टार्ट हो गया था, तो अभी मैं 1.5 साल का घर तरफ आया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई फ्रेंड, इतना दूर गया इतना दूर से बच्चे लेकर बहुत मुश्किल है, थक गए हम, तो अभी हम घर निकलते मैं 1.5 साल का घर आए तो मैं 1.5 साल सोई अभी, तो इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं कर लेंगे क्योंकि सही है बेचारे काम करके थक गई होगी ना, तो दिन में सब कोई से भी आराम करता है खाना वाना खाने के बाद, तो हम घर जाकर देखते कुछ बनाएंगे खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमको तेज से भूख लगा, बहुत जोर से भूख लग रहा है, मम्मी घर गया था मम्मी कुछ भी नहीं बनाई थी, तो अब हम कंटिन्यू ब्लॉग को बने रहे, उसका ब्लॉग नहीं बना पाया फ्रेंड जब बाबू को सुई मिल रहा था, तो क्योंकि वहाँ पर कैमरा बन के थे, तो मम्मी मेरे को चिल्लाई मतलब बोली कि तुम ब्लॉग शूट मत करो, बोल के बोली यार ऊपर से बच्चा लेकर बैठे हुए थे सुई लेने के लिए, तो हमको मतलब एक तरफ सुई दे रहा बच्चा का, एक तरह से ब्लॉग शूट करना तो नहीं बनेगा ना इस वजह से, तो अभी अगले में ना फिर 2 सुई 2 ना 3 सुई अगले में नाश्ता के
जस्ट समोसा नहीं, आलू चॉप खाए गर्म गर्म, बहुत टेस्टी है। आपको भैया भाभी बहुत टेस्टी होती है, अभी लगता खाने को। हम खाए हैं और अभी हम जाएंगे घर, तो फोटो वाला का इंतजार कर रहे हैं। मेरा रोहित जी का घर पहुँचा देंगे, उनको पैसा देंगे। तो हम लोग घर आ गए, घर आते साथ हम कपड़ा चेंज कर लिए और बाबू को देख सकते हैं कितना साइलेंट है। मेरे बच्चे इतना खेलने वाला बच्चा साइलेंट है क्योंकि इसको पड़ा है 3 सुई इस वजह से। और रोहित जी को तो देख सकते हैं इसका कुछ काम है, पूछिए तो, खाली फ्री फायर में है। इनका भी रोहित जी का भी चैनल आने वाला है, रोहित किरी फ्री फायर नाम से ना। आगो तेरे चैनल का नाम क्या होगा गो? आगो तेरे चैनल का नाम क्या होगा? चल ना, चैनल का नाम रोहित गिरी फ्री फायर ना, ये नाम ना। तो देख सकते रोहित जी सिर्फ यूट्यूब में डालेंगे फ्री फायर का कैसे खेलता है क्या नहीं खेलते ये सब का। रोहित जी भी चैनल खोलने वाले हैं ना गो। तो अभी मेरे बेटा को कहाँ कहाँ सुई मिला आप लोगों को दिखाते हैं। मैं घर पे खाना बनाए हैं, तो क्या बना है हम लोग बैक कैमरा से दिखाते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए फ्रेंड, और प्यार सपोर्ट कीजिए, ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए मेरे बेटे को। और अगले महीना फिर सुई है 16 मार्च को फिर सुई है 3, फिर 3 सुई मिलने वाला है फ्रेंड। मेरे बच्चों को कितना सुई लेना पड़ा, हम तो सुई देखना पर हम डर गए थे, तो पता हम तो ना सुई देखना हम डर गए, ऐसे हो गए थे। फिर उसके बाद फिर मेरे बच्चों को मैं इससे जोर से पकड़ा सुई दिलाया फ्रेंड, इतना रो रहा था ना, वो आवाज़ सुन के ना फ्रेंड मन तो कर रहा था ना कि नर्स को थप्पड़ लगा दे, ऐसे लग रहा था। लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चा के लिए सेना पड़ता है। पता नहीं बाकी मालूम कैसे सह लेता फ्रेंड, मेरा तो नहीं होता सेना फ्रेंड। चलिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए, हमें बेटा को दिखाते हैं कहाँ सुई मिला। ठीक है फ्रेंड, पैक कैमरा से दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सुई मिला था बेटे को, देख सकते कितना बड़ा गड्ढा हो गया सुई से। एक इस तरफ का पैर में है सुई, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे घाव हो गया देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते कि हाथ में कहाँ सुई दिया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यहाँ दिया कि यहाँ दिया, नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ दिया सुई, बट यही वाला हाथ में दिया था सुई। जानते हैं बाबू को इतना जोर से पड़ा था सुई, तो यहाँ पड़ा था तो इतना दर्द नहीं किया था फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ वाला सुई दिया ना, यहाँ पे देख सकते आप लोगों को कितना जोर से गड्ढा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे सुई दिया था ना, इतना ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था बाबू को, वो चीज़ ना आपको सूट कर दिखा नहीं पाया कितना ब्लड निकला था। मतलब जो जहाँ पर सुई मिला है ना वाला जगह पे इसको लगाने का बोला है। तो ये क्या चीज़ का मतलब मुझे तो नहीं पता, आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि आप लोगों का भी बाबू का ऐसे मलम देता है लगाने के लिए, बताइएगा। ये ना मेरी डेढ़ सास दी है, मेरे डेढ़ सास का बेटा को भी सुई मिला था। तो ये जख्म में लगाने के लिए, मतलब जहाँ पर सुई देता है ना वहाँ पर कड़ा कड़ा हो जाता है, इसलिए तो इसको लगाने से थोड़ा आराम मिलता है, तो इसलिए दी थी मैं डेढ़ सास। क्या ऐसे होता है तो बताइए कमेंट कर। ठीक है फ्रेंड, हम लोग खाने के लिए बैठे होते हैं, यहाँ पर हम चावल दाल निकाल चुके क्योंकि मेरा बेटा बहुत जोर से रो रहा था। आई हम गोदी में रखे हुए दाल, यहाँ पे भुजिया है और यहाँ पे चावल है, चावल जो कढ़ाई से बना था, यहाँ पर पानी है गर्म वाला। अभी भुजिया निकालते फटाफट, मेरे ननंद बनाई आलू भुजिया बाहर आज, जितना फुलकोभी था सब सारा भुजिया बना दिए, तेल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए निकालते हैं, मैं ननंद अच्छा हुआ बना दी क्योंकि हम लोग रात हो गया था आने में, तो अभी खाना सब्जी बना ही है मैं ननंद, तो खाने के लिए निकालते हैं। हम लोग खाना सब्जी निकल चुका है, तो ये मेरा चावल है, ये रोहित जी का, ये मैं ननंद का चावल है। तो अभी हम लोग खाने स्टार्ट करते हैं चावल। आए पुगली एगो लो खाना, चलिए फिर खाते हैं, आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए। तो फैमिली खाना पीना हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। यहाँ पे सब पलटी हो चुका है, बस मैं और मैं ननंद जगी और दोनों बाप बेटा सो रहा देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग मेरे ब्लॉग पसंद आएगा, तो पसंद आए तो लाइक जरूर कमेंट कीजिए, और प्लीज़ बाबू के लिए बताइएगा कि कैसे मैं उसको, मतलब उसका जो फीवर आने वाला है और आने वाला क्या आ गया है, और जो जख्म हुआ है, मतलब जख्म हुई जो सुई का, तो वाला कैसे ठीक होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा फ्रेंड। और बाबू को बहुत मुश्किल से हम उसको सुलाए फ्रेंड, इतना रो रहा था उसको, किसे तो उसका ना जो सुई मिला ना बस इसी का वजह से उसको अच्छा नहीं लगता होगा, बहुत मुश्किल से उसको हम सुलाए फ्रेंड। अभी तो हम जगे रहेंगे सोच रहे हैं, क्योंकि फिर नींद बनाएंगे ना, तो फ्रेंड पे बच्चों को सकेंगे भी नहीं देखने, तो अभी जब तक हम जगने सकेंगे तब तक हम जागेंगे, और फिर वरना सो जाएंगे तो भगवान मेरे को उठा दीजिए अगर बाबा बच्चा को। तो चलिए फ्रेंड आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, तो बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।